नमस्कार, आप देख रहे हैं एन खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी, मेरे साथ है विद्या जी। आज हम बात करेंगे जो खबर सुर्खियों में बनी हुई है, कई सारे डिबेट्स में आपने देखा होगा, विमल जलान समिति की तरफ से जो सिफारिश रखी गई थी 1.76 लाख करोड़ की, अब वो आरबीआई जो है सरकार को वो पैसा देगा। सवाल विद्या जी मेरा यहाँ पर ये उठता है कि क्या सरकार मान ली है कि देश के आर्थिक व्यवस्था उनके खुद के टेन्योर में सबसे निचले स्तर पर है। ये मैं इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस पैसों का सरकार क्या करेगी, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में देखेंगे क्या किया जाएगा। मतलब सरकार के पास रोड मैप नहीं है, इतने सारे पैसे आप ले रहे हैं, सरकार के पास कुछ विजन नहीं है कि इस पैसे को हम कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि मंदी का दौर जो वैश्विक लेवल पे शुरू हुआ है उसका असर भारत पे भी है। सरकार माने या ना माने, वो सीधे शब्दों में नहीं मानती है तो घुमा फिरा के मानती है। यदि ऐसा नहीं होता तो निर्मला सीतारमण को आगे बढ़कर के बहुत सारी रियायतों की घोषणा नहीं करनी पड़ती। लेकिन उस पूरे मसले से इसको मैं इसलिए अलग रख रहा हूँ कि जब मंदी की शुरुआत नहीं हुई थी तब सरकार और आरबीआई में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि जो आपके पास रिजर्व फंड है उसमें से गवर्नमेंट का शेयर बढ़ा दीजिए। तो आपको याद होगा कि उस समय उर्जित पटेल और उनके नीचे एक और विमल थे, वो लोग इस बात से सहमत नहीं थे और उर्जित पटेल ने तो क्विट कर दिया, वो उन्होंने भी क्विट कर दिया था, बाद में डिप्टी गवर्नर थे वो, तो अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। सिर्फ एक ही वजह नहीं थी, और भी कई वजह थी लेकिन ये मुख्य वजह थी। अब उसके बाद सरकार ने देखा कि इस मसले को लेकर के विपक्ष भी वार कर रहा है और माहौल बन रहा है उसके प्रति निगेटिव, तो उन्होंने क्या किया कि विमल जलान जो पूर्व गवर्नर है उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी और उन्होंने जो सिफारिश की वो सिफारिश में बीच का रास्ता निकाला। दरअसल होता क्या है कि रिजर्व बैंक के पास दो तरह के फंड होते हैं, एक तो जो सिक्योरिटीज और प्रतिभूतियों में बॉन्ड्स वगैरह में जो पैसा लगाते हैं रिजर्व बैंक और उससे जो ब्याज मिलता है वो उसकी आमदनी का मुख्य सोर्स होता है, तो इसमें जो है, और दूसरा होता है कंटिजेंसी, तो एक गोल्ड का भी होता है। हाँ, उसी उसी में जो सिक्योरिटीज है उसी में गोल्ड का भी है, जितना लगाते हैं जो आपको मिलता है वही तो, और क्या सोर्स हो सकता है, जो उसको ब्याज मिलता है वही तो सोर्स हो सकता है, रिजर्व बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से इन्होंने 1.76 लाख करोड़ देने की बात कही है। तो इसको मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि पहले सरकार का जो टारगेट था वो था कि फिस्कल डेफिसिट को घटा के 2.5 पे ले आना है, 2003 में कानून बना था उसके हिसाब से। लेकिन ये जो अपने फिस्कल डेफिसिट को उतना कंट्रोल में नहीं रख पाए जितना कि उनको रखना था, और 3.4 पे वो बना रहा। एक और चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों को विद्या जी, कि जो अमाउंट इस बार आरबीआई दे रही है वो अब तक का सबसे ज़्यादा है, 1.76 लाख करोड़ रुपये। पिछले अगर आप आंकड़े देखेंगे तो डीमोनेटाइजेशन मुझे याद है वो एक दौर था, वो एक साल था जब आरबीआई ने 30 करोड़ के आसपास दिया था, आधा दिया था क्योंकि उससे पिछले वाले साल में 60 करोड़ दिया था, वो इसलिए क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के दौरान कई सारे नोट भी छपे थे नए करेंसी के, उसमें आरबीआई खुद घाटे में जा रही थी। पर सर एक बात बताइए, सरकार एक टाइम था जब अमेरिका में रिसेशन आया हुआ था, आर्थिक मंदी थी, तब भी, क्योंकि हम पिछली बार भी हमने बात की थी कि ग्लोबली अगर चीज़ें चेंज होती है तो भारत पर भी उसका असर पड़ता है, लेकिन तब भारत पर असर नहीं पड़ा था क्योंकि तब हमारे पब्लिक सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे। आज हमारे पब्लिक सेक्टर के हालात देखिए, हम एयरलाइंस को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, हम BSNL को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, उस BSNL को जो सरकारी कंपनी है जिसके कई सारे कर्मचारियों को पैसे ही नहीं दिए गए हैं, सरकार आज तक उनको पैसे नहीं दे पाई है। इसमें मैं कंचन एक बात बताऊं कि वो जो मंदी आई थी वो 2008 में आई थी, लगभग 10 साल 11 साल बाद ये फिर से स्थितियाँ रिपीट हो रही है। तब से और अब में न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं। आप पाएंगे कि जैसे चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पे भी अरबपतियों खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। तो जो आर्थिक व्यवस्था में, पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव हो रहा है ना, उसके बाद से निजीकरण की तरफ भारत का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है और डिसइन्वेस्टमेंट पर उसका बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि नवरत्नों को छोड़ दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बकायदे टारगेट बजट में फिक्स किया जाता है कि इतना डिसइन्वेस्टमेंट से इस साल आना चाहिए। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि इस पैसे का क्या होगा यदि निर्मला सीतारमण इस बात का जवाब नहीं दे पाई, तो निश्चित रूप से उनमें विजन का अभाव है या सरकार अभी तय ही नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तो कमेटी की सिफारिश आई है, अभी इस पैसे के रिलीज होने में एक तो टाइम लगेगा। जो रिजर्व बैंक है और जितने नेशनलाइज बैंक है उसमें जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं ना, वो सरकार ही होती है, क्योंकि सरकार ही तो उनको पुनर्पूंजीकरण के लिए पैसा भी देती है। तो इसमें सरकार को ये लाभांश पहले से देते रहे हैं, बस इतना अब की बार फर्क ये आया है कि लाभांश का कितना शेयर, कितना परसेंट सरकार को जाएगा, चूँकि पूरी दुनिया को भारत भी देख रहा है। तो इसे लग रहा है कि यदि हमारे यहाँ 28% है और जगह 14% है,
तो क्यों नहीं उस पैसे का यूज लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। क्या ये दौर इकोनॉमिक इमरजेंसी का है? इकोनॉमिक इमरजेंसी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मंदी का दौर मैं इस्तेमाल करूंगा शब्द, और हर सरकार जो है उसे संभलने के लिए, उसे उबरने के लिए उपाय करती है, उसी में से इसको एक उपाय को मैं उसी रूप में देख रहा हूँ। ठीक है, आप इसे उपाय के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। सरकार एक तरफ तो कैशलेस इकोनॉमी की बात करती है, दूसरी तरफ इतने सारे पैसे ले रही है। गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको हब माना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत ठप है। कुछ दिन पहले भी हमने जिक्र किया था पार्ले जी कंपनी का क्या हाल हो रहा है, उनकी ग्रोथ कम होती जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो पूरी तरह से ठप हो चुका है, नौकरी नहीं है सर। इन पैसों का सरकार क्या करेगी? स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। होता क्या है कि जब भी मंदी का दौर आता है तो जो भी कंपनियां होती है ना, उस होता इतना है तो उसको प्रेजेंट इतना करती हैं। क्यों करती हैं? कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें हमें बहुत कुछ कर रियायतें वगैरह सरकार से मिल जाएगी। सरकार जो है वो ले आती भी, पॉलिसी भी ले आती है, और उस जो आपने पार्ले जी का जिक्र किया उसमें भी कुछ ऐसी बातें आ रही थी। नो डाउट फर्क पड़ा है, मंदी अभी स्टार्ट ही हुई है। सियाम जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ के भी संस्था का भी बयान आया था, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। ये गौर कीजिए, वो कह रहे हैं कि BS4 लागू करने के लिए हमने 70,000 करोड़ अभी इन्वेस्ट किया है, अभी आप ई व्हीकल पे आ रहे हैं उसके लिए 70,000 से 1,00,000 करोड़ चाहिए, हम कहाँ से करेंगे। तो उनकी परेशानी अपनी अलग हो सकती है, कारण अलग हो सकते हैं। ठीक ऐसी BSNL MTNL की जो दिक्कत है उसकी परेशानी भी उसमें वहाँ पे भी दिक्कत का कारण अलग है, ये नहीं है सिर्फ एक दिन में वहाँ पे परिस्थितियाँ पैदा हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मंदी की शुरुआत हुई है, और यदि सरकार उसके लिए कुछ ऐसे मेजर्स उठाती है जिससे कि इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सकता है, उसमें एनर्जी और ऑक्सीजन डाला जा सकता है, तो हर सरकार करने का प्रयास करती है। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि RBI से ये पैसा लेना, अगर ऐसा है तो अर्जेंटीना में क्या हुआ था सर? उन्होंने भी तो पैसे लिए थे अपने सेंट्रल बैंक से, पर कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया, तो और हर जगह इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कई जगह मैं ये भी तर्क पढ़ रही हूँ अब, क्योंकि मैं कई हमने इस मुद्दे पर बात कर ली कि सरकार इन पैसों को क्या करेगी, सरकार के पास विजन नहीं है, पर कई अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स खोलेंगे या अगर आप डिबेट सुने होंगे आज, तो उसमें ये कहा गया कि ये देश का पैसा है जो देश में लगने वाला है, उस पर इतना हंगामा क्यों, क्यों विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है? क्यों इस पे दो तरह की राय आ रही है? विपक्ष तो कश्मीर को भी लेकर बौखलाया हुआ है, वहाँ से कोई घटना क्यों हो रही है? ठीक है, दो तरह की राय इस पे क्यों आ रही है, इसकी वजह है। एक राय ये है कि जो रिजर्व बैंक के पास इतना बड़ा अमाउंट 6,00,000 करोड़ है, इतना बड़ा अमाउंट पड़ा रहता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसको देश का पैसा है, देश के लोगों के कल्याण के लिए उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। दूसरा जो डर अर्जेंटीना जैसे देशों का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि हमारे रिजर्व बैंक के पास जितना ज़्यादा ये मनी रहती है उतना ही ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है, और किसी भी परिस्थिति से निपटने में वो सक्षम होता है। दोनों तरह के तर्क है। तो अब इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि बीच का रास्ता तो निश्चित रूप से होना चाहिए। अब ये एक्सपर्ट्स को तय करना चाहिए कि उसमें कितना परसेंट, 26%, 28%, 14%, 20% पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे RBI को कितना फर्क पड़ेगा सर? अब स्वाभाविक है कि यदि उनके 6,50,000 करोड़ में से यदि 2,00,000 करोड़ निकल रहे कुछ, तो इसमें से लाभांश होगा, तो फर्क तो पड़ेगा, उनका रिजर्व तो घट रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, उसकी स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल 2018 में अक्टूबर एंड में जब सेक्शन 7 लागू किया गया था, वो भी देश में पहले कभी नहीं हुआ था, उसके बाद भी RBI बहुत सुर्खियों में आया था। सेक्शन 7 आर्टिकल 7 भी बहुत सुर्खियों में आया था, क्योंकि इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। अब RBI की ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहा जाए कि RBI भी जैसे तमाम और ऑटोनॉमस चीज़ें सरकार के अंडर आ गई है, वैसे ही RBI भी आ गई है? देखिए, वो भी जो सेक्शन 7 का इस्तेमाल किया गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी जो पहले से प्रोविजन था उस प्रोविजन का ही इस्तेमाल किया गया था। इस देश में आगे चल करके या अभी बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो पहली बार इस्तेमाल होगा। 70 साल में पहली बार कश्मीर को लेकर के प्रोविजन हटाया गया, ठीक है। ऐसे ही RBI के मामले में सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, उस समय भी इस पर बहुत बहस हुई थी। सरकार ने साफ साफ कहा था कि जो पहले से नियम कानून बना हुआ है उसी का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नया नियम कानून तो नहीं ले आ रहे हैं,
हो सकता है। देखिए होता क्या है कि जब आपकी इकोनॉमी और पूरे जनसंख्या सब कुछ रफ्तार पकड़ती है तो जो जिस चीज़ की ज़रूरत कल आपको नहीं पड़ी थी उसकी ज़रूरत अगले कल को आपको पड़ सकती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिमल जालान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, ऑलरेडी वो RBI संभाल चुके हैं और उसके हिसाब से ही उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। मैं कई एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था कि उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। बट ये तो मैं कह सकती हूँ विद्या जी कि सरकार ये अब मान ली है कि सरकार को आर्थिक लेवल पर कई सारे चीज़ों की ज़रूरत है। निश्चित रूप से है, इतना 45 साल का यदि रिकॉर्ड उस आंकड़े को मान ले तो बेरोजगारी, नीति आयोग के राजीव कुमार ने कह दिया, NSSO की रिपोर्ट ने कह दिया, अब सरकार तो ये शो करती है कि डीमोनेटाइजेशन और GST हमारी बहुत बड़ी योजना थी, पर ग्राउंड रियलिटी पर अगर आइए, अगर आप जमीनी स्तर पर आते हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वरना नहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात में ठप होती और कारोबार इतना बुरी स्तर पर रहता, क्यों सरकार आके ये नहीं कहती कि हाँ डीमोनेटाइजेशन हमारा एक गलत स्टेप था। आप दुनिया के सरकारों का स्टडी कर लीजिए, जब तक बहुत स्थिति खराब नहीं होती कोई भी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती कि हमारी ये पॉलिसी या ये डिसीजन जो है खराब रहा। लेकिन जनता जागरूक है, जनता जागरूक है और जनता को जागरूक होना भी चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें से क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक्सपर्ट्स का विषय है कि इतना सरप्लस जो है दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, क्या वो RBI के जो है सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, ये देखना होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आज तक इतने सारे पैसे 1.76 लाख करोड़ रुपए नहीं लिया गया है और लिया जा रहा है, तो सरकार के पास इसका विजन क्या है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी तो उस बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन भविष्य में जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम बताएंगे। अगर देश की वित्त मंत्री ऐसा कह रही है कि जो पैसा लिया जा रहा है RBI का उनका भविष्य उनको नहीं पता है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि सरकार के पास इस मुद्दे पर रोड मैप क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।